चलिए जी, 60 विभागों ने नहीं दी स्वीकृति और खाली पदों की सूचना। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। याद हो आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत महीने पहले एक कैबिनेट की मीटिंग बैठक की, जहां पर उन्होंने कहा था कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को खाली पदों की सूचना देने को कहा था और 15 दिन के अंदर, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को इसकी विवेचना होगी, इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन वाकई में क्या ऐसा हुआ, वो चीज होता हुआ तो नजर नहीं आता है। इससे पहले आपको याद हो एक खबर आई थी कि जहां पर पीसीएस के पदों को लेकर, जैसे कि आपको पता है शासन और आयोग ने भी कहा था कि हर साल वो पीसीएस की भर्ती निकालेंगे, लेकिन खबर आई थी कि पीसीएस के पदों के लिए खाली पद ही जो है, यानी कि उनके अध्याचन के लिए खाली पद ही जो है आयोग को नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं विभागों की उदासीनता भी एक बड़ा सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जो है परेशानी की बात है। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर मिल रही है कि 60 विभागों ने जो है नहीं दी स्वीकृति और खाली पदों की सूचना, शिक्षा विभाग की विशेष छूट का अनुरोध ठुकराया, अविलंबन सूचना के लिए कहा। ये तो दूसरी खबर है, लेकिन मेनली खबर यही है कि आप देख सकते हैं कि वित्त विभाग के निर्देश के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 में से 60 विभागों ने अभी तक स्वीकृत पदों और उनके सापेक्ष भरे गए पदों का ऑनलाइन ब्यौरा नहीं दिया है। इसे बजट बनाने में और तमाम चीजों में यहां पर जो है काफी दिक्कत हो सकती है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको वो बताया कि किस तरह से, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये वाली जो खबर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि स्वीकृति के बिना, यहां पर आप देख सकते कई मामले सामने भी आए थे कि कई विभागों के स्वीकृति के बिना आउटसोर्सिंग के पद हायर कर लिए गए थे। और यहाँ पर सारे अनुभवों के आधार पर वित्तीय विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को 15 दिसंबर तक स्वीकृत और उसके सापेक्ष भरे गए पदों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक 100 विभागों में से केवल 40 विभागाध्यक्ष ही बजट की मांग यहाँ पर कर सके हैं। और कितने पद यहाँ पर खाली हैं, कितने पद यहाँ पर भरे जाने हैं, कितने भर, जब विभाग ही सारी जो पद खाली हैं उनकी डिटेल्स आगे शासन स्तर पर नहीं भेजेगा तो किस तरह से समय पर अध्याचन, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उसके पास पहुंच नहीं पाएगा। जब पहुंच नहीं पाएगा अध्याचन तो समय से भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उसका कारण यही है, यानी कि जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में वो बताया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिन के अंदर सारी ये विवेचना करने की बात की थी, शायद कहीं ना कहीं वो इस पर एक बड़ा सा सवाल या निशान उठता हुआ नज़र आता है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।